जो भी किसान भाई बहन मछली पालन कर रहे हैं उनके लिए आज का ये अंक है खास, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप मछली पालन के साथ साथ बत्तख पालन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको किन किन उपायों को अपनाना है, आइए बिना देर किए आपको दिखाते हैं। ये मछली सा बत्तख पालन ये एक तरह से समन्वित मछली पालन की श्रेणी में आता है, क्योंकि एक साथ हम दो तरह की कृषि प्रणाली अपना रहे हैं। और अभी चूंकि जुलाई का महीना आ गया है और अभी सभी किसान भाई जिनके तालाब में पानी भर चुका है, चूंकि अभी बारिश बहुत नहीं आई है, अभी शुरुआत हुई है बारिश की, लेकिन जिनके तालाब में पानी आ चुका है और पानी जिनका सदाबहार तालाब है, सदाबहार तालाब मतलब जिसमें बारहों महीने पानी रहते हैं, और जिनके मौसमी तालाब में जिनमें पानी अभी भरना शुरू हो गया है, अब वो मछली का संचयन का अभी कार्यक्रम बना लें, क्योंकि अभी सभी जगह मछली के बीज उपलब्ध हैं और वो अपने तालाब की तैयारी कर लें। मैं बत्तख के पहले ये बताना चाहूँगी, क्योंकि अभी हमारा वही समय है मछली के संचयन का, क्योंकि 15 दिन पहले अभी गोबर डालना शुरू कर दें, क्योंकि अभी हो सकता है पानी और भी बारिश होगी, इसीलिए गोबर चूना जो भी खाद आप रासायनिक खाद या कार्बनिक खाद जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं या करते आए हैं, संचयन के 15 दिन पहले एक कैलेंडर बना लें आप, 15 दिन पहले उसका अभी तालाब में डाल दें, जिससे तालाब आपकी फर्टाइल हो जाएगी, उर्वरक हो जाएगी। और जब आप जीरा का संचयन करते हैं, जीरा संचयन करते हैं या अंगुलिका का संचयन करते हैं, तो आपके तालाब की उत्पादकता बढ़ी रहेगी और उससे मछली का खाना उपलब्ध रहेगा। तो संचयन के बाद अभी चूंकि बत्तख की भी बात आती है, तो बत्तख अभी हम लोग ना संचय तालाब में नहीं डालें, क्योंकि अभी हम लोग की जो मछली है बहुत छोटी रहेगी, क्योंकि उनका 50 ग्राम से भी कम है, तो ऐसी स्थिति में मछली अपना जान नहीं बचा सकती है। तो बत्तख को 1 महीने बाद जब आपकी मछली 50 ग्राम के करीब हो जाती है या उससे ज़्यादा हो जाती है, ये आपके तालाब की आपके प्रबंधन पर निर्भर करता है कि आपकी मछली संचयन के बाद उसका ग्रोथ किस तरह का हो रहा है, तो 1 महीने के बाद ही बत्तख का संचयन करें। और चूँकि अगर 1 एकड़ का तालाब है तो ऐसे तो नियमतः बहुत ही डाला जा सकता है, चूँकि हम लोग मछली सा बत्तख कर रहे हैं, तो हम लोग मछली के साथ साथ बत्तख का एक आमदनी का जरिया रखे हैं। तो उस केस में अगर हम लोग 1 एकड़ में 100 से 150 बत्तख रखते हैं तो हमारे लिए ये लाभकारी है, क्योंकि हमको साथ में मछली के साथ साथ बत्तख को भी देखना है। तो अगर हम लोग ज़्यादा संख्या में बत्तख रखते हैं, ऐसे तो 1 एकड़ में हम लोग 1000 भी रख सकते हैं, 500 भी रख सकते हैं। देखिए, चूंकि ये समन्वित मछली पालन है तो इसमें मछली का हम आहार का की ज़रूरत नहीं होगी इस केस में, क्योंकि बत्तख से ही उसके खाने का पूर्ति हो जाएगा। और भी बहुत कुछ बत्तख से फ़ायदे हैं। पहले तो अगर बत्तख के खाने की बात किया जाए तो ये बत्तख सभी कुछ खाता है, जिसे ओमनीवोरस कहा जाता है। ये आप उसको बरसीम का घास देंगे तब भी खा लेगा, गोभी का पत्ता देंगे वो भी खा लेगा, कीड़े मकौड़े भी तालाब के खा लेंगे, मतलब ये ऐसा है कि जो मिले वो खा लेगा। तो लेकिन फिर भी उसको एक संतुलित आहार देने के लिए उसे पोल्ट्री फीड जो बहुत हाई प्रोटीन वाली नहीं है, चूँकि हम लोग 30 से 35 या 40 दिन के बत्तख डाल रहे हैं, तो एक मॉडरेट उस खाना जो पोल्ट्री फीड है वो हम लोग यूज़ करते हैं, और वो उसी समय यूज़ करते हैं जब बत्तख अपने शेड में रहती है। तो वो शेड में रहने का, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये शाम के 6 बजे से सुबह 9 बजे तक रहती है, तो उसके फीडर में हम लोग खाना डाल देते हैं और उसको जितना मन है वो खाती है। और लेकिन जो चूँकि बत्तख दिन भर तालाब में रहती है, तो तालाब खुद एक नेचुरल इकोसिस्टम, उसमें काफ़ी उनको प्राकृतिक आहार मिल जाता है। जैसे वो तालाब के तल में जाएगी उसके कीड़े मकोड़े घास सभी कुछ मिल जाते हैं। और चूँकि हम अपनी मछली जो स्टॉकिंग किए हैं वो अभी बड़े साइज़ की हो गई है, जब हम बत्तख डालते हैं तो उससे हमारी मछली को कोई नुकसान नहीं है। अगर छोटी मछली रहेगी तो उसको वो ज़रूर खा जाएगी, इसीलिए ये किसान भाई ज़रूर ध्यान दें कि छोटी मछली और बत्तख का एक साथ समन्वय नहीं होना चाहिए, दोनों के बीच गैप होनी चाहिए। बत्तख जब डाल रहे हैं तो उस समय आप इंश्योर करें, आप ये सुनिश्चित करें कि हमारी मछली 50 ग्राम से ज़्यादा हो।